गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नरेशन के चैप्टर में चेंज ऑफ पर्सन चल रहा है, अर्थात रूल फाइव। तो रूल फाइव का आज लास्ट डे, इसके बाद आपको आएगा नेक्स्ट जो मुख्य हेडिंग हमारी है सेकेंड, रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी नेक्स्ट जो क्लास रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इस तरह से डायरेक्ट और चेंज डायरेक्ट में चेंज करते हैं, वह टॉपिक खुलेगा। तो आज चेंज ऑफ पर्सन यानी असर्टिव सेंटेंस का आखिरी दिन है। इसमें कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी, खास है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में आते हैं। समझ लीजिए कि एक्सेप्शन है, यानी रूल फाइव का चेंज ऑफ पर्सन का क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक ना। तो उसको आप एक्सेप्शन वन करके और टू करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक्सेप्शन वन कर देते हैं। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया हो, जैसे वी का प्रयोग, ठीक, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आई का पूरे मानव जात के लिए तो प्रयोग होगा नहीं, अगर होगा तो वी का होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त तो वी, वी का मतलब समझ रहे हैं आप, का संबंध मानव जात से है, यानी मानव जात का मतलब माइंड काइंड से, अगर वी का प्रयोग जब भी मानव का ही जात से होगा यानी माइंड काइंड से होगा, तो उसे आप नहीं चेंज करेंगे, उसे आप नहीं चेंज करेंगे। तो एक्सेप्शन वन में क्या आप नोट करेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच, ये एक्सेप्शन वन में आपको नोट करना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, मैं लिख दे रहा हूं, में प्रयुक्त वी से मैनकाइंड, मैनकाइंड मानव जाति, मानव जाति का बोध होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल में आ जाइए आप, डायरेक्ट वहीं नोट कर दें। एग्जाम्पल में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट टीचर से to the students, comma, अभी
इन्वर्टेड कॉमा में डिपोर्टेड स्पीच आएगा। अब यहां पर वी का प्रयोग किया जा रहा है, वी आर मोटर। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि हम नश्वर है। अब सवाल यह उठता है, देखिए ये नियम तो बना दिया गया है मैनकाइंड पर, ठीक ना क्या जी, मैनकाइंड पर, लेकिन मैनकाइंड के अलावा भी ऐसे वाक्य आएंगे जहां भी को नहीं चेंज किया जाता है। इसी एक्सेप्शन में मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले तो मैनकाइंड से लिखे, क्योंकि जितने भी राइटर्स हैं वो मैनकाइंड से ही जोड़ करके नियम बनाए हुए हैं इस एक्सेप्शन में। ये अध्यापक ने कहा किससे, ये स्पीकर है, इससे कहा भैया ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, स्पीकर ने कहा ऑब्जेक्ट से, स्पीकर टीचर है और ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, तो टीचर अपने लिए यहां इसको आई लगाना चाहिए, तो आई लगाएगा तब तो केवल वही मोटर हो जाएगा, स्टूडेंट नहीं होगा या बाकी दुनिया नहीं होगी, इसलिए उसने क्या किया वी लगा दिया। तो जब वी लगाया तो उसमें छात्र भी आ गए, स्टूडेंट भी सॉरी टीचर भी आ गया, स्टूडेंट भी आ गए, पूरी आम जनता आ गई, तो सबके लिए लगा दिया। इसका मतलब कि इसका संबंध क्या हुआ, मैनकाइंड से हो गया, मैनकाइंड से हो गया, क्योंकि टीचर अपने लिए लगाता है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, तो आई लगाता, तो ऐसे वाक्यों में आई का प्रयोग नहीं होगा। अगर आई का प्रयोग करेगा स्पीकर तो उसका संबंध स्पीकर से हो जाएगा, तब तो उसमें चेंज होगा, लेकिन स्पीकर क्या है, सिंगुलर है और यहाँ प्लुरल है, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि ये प्लुरल है, तो भाई खतरनाक चीज है। इसका मतलब वी का प्रयोग टीचर तो लगा नहीं सकता अपने लिए, यानी पूरे मैनकाइंड, तो पहली पहचान तो यहीं से आप कर लो, ठीक। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ प्लुरल कर दें, ये भी तो संभव है, अध्यापक कहता है छात्रों से और अध्यापक कहते हैं छात्रों से, क्या फर्क पड़ेगा, फर्क यह पड़ेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पर ये सिंगुलर है या अपने लिए वी तो लगाएगा नहीं, अगर वी लगा रहा है तो पूरे मानव जाति में लगा रहा है, क्लियर हो गया। लेकिन मान लीजिए द टीचर्स है, टीचर्स कर देते हैं, द टीचर्स से टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक छात्रों से कहते हैं, यानी सभी अध्यापक कहते हैं, तब तो भी लगेगा, आई तो लगेगा नहीं, तो वहां पर आप फंस जाओगे, नहीं ध्यान दोगे तो फंस जाओगे, फंसोगे कि नहीं फंसोगे बताओ, वहां पर आपको दिक्कत आ जाएगी, सोच ही नहीं पाओगे, यहां जो है प्लुरल है तब तो भी हो सकता है, तो आप चेंज कर दोगे, दे कर दोगे, नहीं, इस रिपोर्टेड स्पीच की मीनिंग पर जाना है, कहां जाना है, मीनिंग पर, ट्रांसलेशन पर। रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रहा है, वी आर मोटर, हम नश्वर हैं, कौन नश्वर है, पूरा मानव जाति ही नश्वर है, यानी अमर नहीं है, मरणशील है, नश्वर मोटर का क्या मतलब, नश्वर यानी मरणशील, यानी सब एक दिन मर जाते हैं, ठीक ना, कोई इमोर्टल नहीं है, इसका उल्टा इमोर्टल होता है, इमोर्टल का मतलब अमर, तो हम लोग इमोर्टल नहीं है बल्कि क्या है, मोर्टल है, इसका मतलब ये पूरे मानव जाति है। तो पहली बात कि यहां पर वी में नो चेंज, ठीक ना, यहां पर वी में आप कोई परिवर्तन नहीं कर, ठीक ना, किसके लिए लिखा भैया, वी के लिए। दूसरी बात,
पुराना नियम तो आपका चलेगा ही, यहाँ इनवर्सल ट्रूथ भी है। क्या है जी? इनवर्सल ट्रूथ, ट्रूथ भी है। सारी चीजों का भाई एक्सेप्शन है तो क्या करेंगे आप, पुराना नियम छोड़ देंगे? पुराना नियम तो लेकर चलना पड़ेगा, ओल्ड रूल्स जितने भी हैं लागू हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो वी चेंज होगा और ना ही आर चेंज होगा, यानी टेंस में भी कोई अंतर नहीं होता। क्या स्टूडेंट एक नियम लेकर चलता है, इसमें नो चेंज कर देता है, इसको ओवर कर देता है, बस जाता है, या इसको चेंज इनवर्सल मान लिया, इसका ध्यान नहीं दिया, यहाँ चेंज कर दिया, ध्यान देना, इसको चेंज कर दिया है, भले मान यहाँ ध्यान दिया किस पर, नहीं ध्यान दिया इनवर्सल ट्रूथ पर, तो चेंज कर दिया, और इसको जॉकेट पर छोड़ दिया, तो कोई ना कोई गलती कर ही देता है। तो आप क्या करोगे? दोनों जगह क्या है जी? नो चेंज है। दोनों जगह क्या है? नो चेंज, तो बदल लो आप। चलो The teacher told the students, हो गया that, अब यहां आप बदलेंगे नहीं, वी को वी रहने देंगे और आर को आर रहने देंगे, हो गया। एक्सेप्शन पर ध्यान देंगे। मैं चर्चा किया था कि अगर इसको प्लुरल कर दिया जाए तो भी यही बनेगा, तो भी यही बनेगा। एक बार इसको लिख लीजिए और दोबारा रीराइट कर लीजिए। क्या करिए? दोबारा रीराइट कर लीजिए। द टीचर सेड, क्या कर दीजिए यहां? टीचर्स कर दीजिए दोबारा। तो इस सेंटेंस को फिर से हम लिख रहे हैं, मिटा भले नहीं रहे हैं, मिटा भले ही नहीं रहे हैं, लेकिन हम दोबारा लिख रहे हैं, तो आप दो बार लिख लीजिएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो यहां क्या करें? टीचर्स वही बनेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्लुरल के चक्कर में आप बी को देखा देखा, हाँ कैपिटल से स्मॉल होगा, बाकी नियम लागू होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण आर भी चेंज नहीं हो रहा। अब चलिए इस एक्सेप्शन के अंतर्गत, एक्सेप्शन का संबंध किससे है? मैनकाइंड से। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य आएंगे, कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जिनका संबंध मैनकाइंड से नहीं रहेगा, एक सिंपल स्टेटमेंट रहेगा, तब आप क्या करेंगे? मैं एग्जांपल देता हूं,
अब देखिए बड़ा बढ़िया सेंटेंस। तो जितने भी राइटर्स हो मैन काइंड से जोड़ करके नियम बना दिए, उस नियम को मैं एक्सेप्शन में लाया, ठीक ना, ताकि विशेष आपका ध्यान रहे, आप उस पर फोकस करें। अब यहां देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए या ईमानदार रहना चाहिए। तो अब मैनकाइंड से तो कोई मतलब नहीं है, यहां पर मैनकाइंड तो बिल्कुल अलग हो गया। जी सर, कोई होगा कोई नहीं। तो टीचर जो है नसीहत दे रहा है, जी सर, उपदेश दे रहा है किसको जी, अपने छात्रों को। तो अपने छात्रों को उपदेश दे रहा है, यू नहीं लगा रहा, यहां पर यू लगा सकता था। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार रहना चाहिए, तुम्हें ईमानदार बनना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। क्रिया बी का प्रयोग है, होना बनना रहना। तो अगर यू लगाता है, ध्यान दीजिएगा, तो सीधा सीधा एडवाइस है किसके लिए, छात्रों के लिए, या सजेशन है, एडवाइस है। अब उसमें क्या कर रहेगा, अपने को अलग रख रहा है, लेकिन जैसे वी लगाया तो टीचर क्या कर रहा है, अपने को खुद को सम्मिलित कर दिया। तो ऐसे वाक्यों में जहां भी जिस किसी भी वाक्य में अगर स्पीकर खुद को इंक्लूड करता है, कहां रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में, कहीं नहीं किसी भी वाक्य में, और उस सब्जेक्ट को प्लुरल रखता है यानी वी लगाता है, आई नहीं, आई अगर कर देता है तो अपने लिए लगाएगा। और जैसे देखिए टीचर अगर यहां आई करता है तो अपने लिए लगाएगा, तभी स्टूडेंट से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन वी लगा तो जब कभी भी स्पीकर अपने लिए आई न लगाकर उसके स्थान पर वी कर देता है तो समझिए कि उसमें ऑब्जेक्ट भी शामिल होगा। शामिल हो गया कि नहीं, देखिए शामिल हो गया। हम लोग द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वी शुड बी ऑनेस्ट, क्लास में अध्यापक कह रहा है छात्रों से हमें ईमानदार होना चाहिए, यानी उपदेश दिया तो अपने को बाहर नहीं रखा बल्कि सम्मिलित कर दिया। कहने का मतलब मैं भी ईमानदार बनूं, तुम भी ईमानदार बनो, मैं भी ईमानदार रहूं, सब लोग ईमानदार रहे, ये इसका भाव हो गया। तो यहां माइंड काइंड से तो कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल आपको रूल याद रखना है, क्या, जब भी काली स्पीकर, ठीक है ना, स्वयं के लिए रिपोर्टेड स्पीच में आई ना लगाकर वी लगा देता है तो वो भी चेंज नहीं होगा, चाहे वाक्य जो भी हो, नोट कर लीजिए क्या हो जाएगा, क्योंकि भले ही नहीं हो मैनकाइंड से संबंधित, कहां मैनकाइंड है, क्या करेंगे आप अगर इसे चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए, तो क्या होना चाहिए, कहां चेंज होगा, ऐसे चेंज ही नहीं होगा, आई रहता तो ही हो जाता, ध्यान दीजिएगा, आई रहता तो क्या हो जाता, ही हो जाता। लेकिन अब ही ना करके ही का प्लुरल करते हो दे, तो अर्थ क्या होगा, ध्यान देना,
थोड़ा सा इसको ध्यान देना कि अर्थ क्या हो जाए। द टीचर, अब मैं समझा रहा, द टीचर टोल्ड, द स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम क्या करते हैं, दैट वी रखते हैं, असुर तो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद बी आदेश रखते हैं, अब इसको वन कर देते हैं, मान लो यहां टू कर देते हैं, द टीचर, ठीक है ना, टोल द स्टूडेंट्स दैट। अगर आप इसे चेंज करते हो तो ही बनेगा, तो ही तो बनेगा ना, क्यों, ही तो आपको बनाना ही नहीं है। नियम क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन बोलिए, नॉर्मेटिव के प्लूरल नंबर और कॉमन नंबर। तो भैया ये चेंज होगा ये, और लेकिन ना नॉर्मेटिव केस चेंज होगा ना ही नंबर चेंज होगा, और जेंडर तो स्वतः चेंज हो जाता है। तो नंबर आपको नहीं बदलना, इसका मतलब नंबर जब नहीं बदलेगा तो वही रहेगा, प्लूरल ही रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तब आपके पास विकल्प ये बस रहा है कि ये ध्यान दिए पर्सन तो आप चेंज कर दे रहे हो, थर्ड कर दिए ना नॉमिनेटिव केस, और नंबर क्या करोगे, प्लूरल ही रखोगे, बोलो। और ये क्या है, टीचर क्या है, कॉमन जेंडर है, जेंडर भी कॉमन रखा, तो क्या मिलेगा आपको, दे मिलेगा, क्या मिलेगा, दे मिलेगा, दे मिलेगा। अब देखो, तो मैं यह प्रमाणित करना चाहता हूं कि क्या दे सही है इस वाक्य में, यह सिद्ध कर रहा हूं कि भी सही है कि दे सही है। तो एक सेंटेंस और मैं लेता हूं डायरेक्ट का, देखिए, द टीचर शेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक। अब यहां मैं क्या करता हूं कि यू लगा देता हूं, यू शुड, ठीक है, बी ऑनेस्ट। नीचे वहां क्या आप आएंगे कि नहीं, आ जाएगा। अब देखो इसको चेंज करो, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, ठीक, दैट। आप इसको किससे चेंज करोगे, यू को चेंज करोगे स्टूडेंट से, तो क्या मिलेगा, दे मिलेगा ना, दे मिलेगा ना, तो दे लगा दो, दे शुड बी ऑनेस्ट। आप देखो इस वाक्य, तो इस वाक्य में और इस वाक्य में क्या अंतर हुआ, नीचे वाले वाक्य का है मीनिंग लो, है कि नहीं है, नीचे वाले सेंटेंस का मीनिंग लो, इसका अध्यापक ने छात्रों से कहा यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, रहना चाहिए, बनना चाहिए,
अध्यापक ने छात्रों से कहा कि वे ईमानदार रहें बने होना चाहिए यानी बनना चाहिए, उन्हें ईमानदार होना चाहिए बनना चाहिए। दे लगा कि हाँ एक ही नहीं निकलेगी ना। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि उन्हें, यू की जगह क्या थी, उन्हें, ये भी नहीं आ रही है ना, अगर की लगाते हैं तो बोलो यू को इससे चेंज करोगे ना, बनना चाहिए। क्यों? इनडायरेक्ट नरेशन में अपने शब्दों में बोल दिया। अब सवाल ये है कि यहाँ पर यू को बदल रहे हो दे में, ध्यान देना चेंज हो रहा है, अर्थ कह रहा है उन्हें ईमानदार होना चाहिए। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या है, रिपोर्टर ये बात कौन दोहरा रहा है, रिपोर्टर अपने शब्दों में, क्या अध्यापक ने अध्यापक की बात को दोहरा रहा है, यहाँ कह रहा है कि द टीचर से टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों से कहा, तो जो कहते हो स्पीकर की बात कह दिया उसी के शब्दों में, यू शुड बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पर रिपोर्टर दोहरा रहा है अपने शब्दों में, अध्यापक ने छात्रों से कहा कि उन्हें ईमानदार होना चाहिए, रहना चाहिए, बनना चाहिए। ओके, तो अब उन्हें आ गए यहाँ पर। अब इसका मीनिंग लो, यहाँ पर मीनिंग अगर लेते हो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वी शुड बी ऑनेस्ट, अध्यापक ने छात्रों से कहा हमें ईमानदार रहना चाहिए, ध्यान देखो अध्यापक ने छात्रों से कहा कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, तो ये हमें सबके लिए लग रहा है ना। अब यहाँ देखो दूसरा, द टीचर अध्यापक ने छात्रों से कहा कि उन्हें ईमानदार रहना चाहिए, करते हैं केवल स्टूडेंट हो जाएगा ना, यहाँ बात चली जाएगी ना, इसीलिए मैंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे वाक्यों में कभी भी भूल करके भी वी को क्या करोगे, दे में नहीं चेंज करोगे, छोड़ दोगे, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, गलत, अब ये क्या हो गया, सही, और ये तो सही है, प्रमाणित हो गया कि नहीं हो गया, ठीक ना। तो आप वही रखो, क्योंकि वी को दे में कर दोगे ना तो अर्थ का अनर्थ हो गया, अध्यापक खुद को समर्पित कर रहा है किसके, छात्रों के साथ, तब भी लगा रहा है, इसलिए इसे आप कभी भी दे में मत बदलना, बढ़िया है ना। तो आधा अधूरा नॉलेज है किताबों में, ठीक है ना। तो भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग क्यों कर लगाए, बाकी टीचर क्या करते हैं हमसे क्या मतलब, मैं तो बिल्कुल रिसर्च करके पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मेरे नियम में जो भी पढ़ा रहा हूँ आप गलती निकाल करके दिखा दो। सवाल ये है कि आप बच्चे स्टूडेंट हो, अनभिज्ञ हो, आपको कुछ आता नहीं, तो किसी भी टीचर से पढ़ते हो, कोई भी पढ़ा रहा हो यूट्यूब पर, तो आपसे जो तो ज़्यादा नॉलेज रखता ही है, तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, थोड़ा स्टाइल पढ़ा रहा है, थोड़ा भाव भाव कर रहा है, थोड़ा सा लिख दे रहा है, थंबनेल पर के दो मिनट में हम सिखा देंगे, तो आप अरे क्या पूछना है, दो मिनट में हम सीख लेते हैं, तो आप क्या जानोगे कि वो कैसा पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है कि सही पढ़ा रहा है। मैं भी कभी कभी क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि इतना यूट्यूब बकवास अध्यापकों से भर गया है, और जिनको जर्मन बांधना नहीं आता है, जर्मन जानते हो ना, अरे यार डोरी, लेकिन आज के ज़माने में चड्डी डोरी वाली कौन पहन रहा है, पहले के ज़माने में हम लोगों के समय में, ठीक ना, अभी भी पुराने लोग पहनते हैं पटरा वाली जंघिया डोरी, तो जिसे डोरी बांधना नहीं आता है वो भी पढ़ाने लगा। देखो मैं बहुत खराब बोलता हूँ, ठीक है ना भैया, भैया टीचिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है कि चार अक्षर आपने पढ़ लिया, किताब चार टे पढ़ लिया और थोड़ा सा नॉलेज हुआ, पढ़ाना शुरू कर दिए। हाँ यूट्यूब पर दो चार टीचर्स हैं, ठीक ना, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनके पास नॉलेज है, ठीक ना, लेकिन बाकी तो अगर दो चार के अलावा देखा जाए, व्यूवर मत देखो, सब्सक्राइबर्स मत देखो, ठीक ना, जरूरी नहीं है कि व्यू आ रहा है या उनके सब्सक्राइबर्स तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा करते हो ऐसी सोच है तो समझो कि फंसे हो तुम, क्योंकि कोई भी टीचर अगर यूट्यूब पर पढ़ाएगा तो आपसे बेहतर ही होगा, आपसे ज़्यादा ही नॉलेज रखेगा, सीख कर तब वो पढ़ा रहा है,
तो आपको बेवकूफ तो बना ही लेगा, आप समझोगे कि बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है। नहीं, रिजल्ट चाहिए, सही चीज चाहिए। तो इस बात से आपको पता चल गया होगा, समझो भैया। इसके बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आता ना तो हम क्या बताएं। अब इसमें एक्सेप्शन आओ, अब देखिए कोई न्यूज़पेपर प्रेस है, न्यूज़पेपर वाला है, तो न्यूज़पेपर अपने लिए वो आई नहीं लगाएगा ना, वो आई अकेला तो है नहीं, ठीक है ना, पूरी एजेंसी है ना जी सर, तो आई नहीं लगाएगा, जब भी लगाएगा या न्यूज़ चैनल है, ठीक है ना, तो उसका जो एडिटर है, एडिटर संपादक, वो कुछ भी लिखेगा, देखिए उसका रिपोर्टर तो अपने वो आई लगा देगा, संवाददाता जो होता है ना वो लगा देगा संवाददाता, लेकिन जो एडिटर होता है संपादक, वो कभी भी अपने लिए आई नहीं लगाएगा, जब भी लगाएगा वी फैमिली का प्रयोग करेगा। तो उस पर एक अपवाद है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आप देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इसको शुरू में लिखते हैं, यदि न्यूज है जी, यदि न्यूज पेपर हम पेपर एक शब्द लेकर के लिखते रहे, एडिटर क्या होता है, संपादक लिखने का काम करता है, ठीक ना जी, तो पेपर से ही उसका संबंध रहता है। यदि न्यूज़पेपर का एडिटर का मतलब संपादक, ठीक ना, रिपोर्टेड स्पीच में स्वयं के लिए वी फैमिली, भाई वी फैमिली का इसे प्रयोग करेगा, वी फैमिली का प्रयोग करता है स्वयं के लिए, क्या करता है भैया, वी फैमिली का प्रयोग करता है, ठीक ना, वी फैमिली का प्रयोग करता है, है तो इनडायरेक्ट नरेशन में पूरा नोट कर लीजिए, इनडायरेक्ट नरेशन में वी फैमिली को इट फैमिली, कौन सी फैमिली भैया, इट फैमिली, अभी कहोगे फैमिली कहां से आ गई, तो इसके लिए प्रश्न प्रणाम पढ़ लेना मेरा, ठीक ना भैया, हालांकि इसमें भी चर्चा किया पहले जो पहला क्लास है का चेंज ऑफ पर्सन हो सकते, तो इट कहता ना, तो इनडायरेक्ट नरेशन में भी फैमिली को इट फैमिली में का जी
बदल दिया जाता है या बदल देते हैं, बदल देते हैं। ये नियम है भैया, ठीक है, तो चलते हैं। सही लिखा है ना, यदि न्यूज़पेपर का एडिटर रिपोर्टेड स्पीच में, यहां में छूटा हुआ, रिपोर्टेड स्पीच में स्वयं के लिए वी फैमिली का प्रयोग करता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में वी फैमिली को इट फैमिली में बदल देते हैं। ओके हो गया। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल में, ठीक है जी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये है न्यूज़पेपर, बोलिए है ना। अब इसका एडिटर जो होगा भाई, यही तो लिखा जाएगा ना, क्या लिखा जाएगा जी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक, सेज, देखिए न्यूज़पेपर एडिटर हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही बात करेगा, पास्ट में नहीं बात करेगा, ये भी एक ध्यान देना है, ठीक ना। क्या करना है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही बात करेगा, अभी तक बनाया नहीं, गलती से कमा लगा दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, पास्ट इंडिफिनिट में नहीं प्रयोग करेंगे आप, कोई भी न्यूज पेपर वाला है तो वह कहती है, कहता है जो बात, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही लिखा जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में नहीं लिखा जाएगा, या फ्यूचर इंडिफिनिट में भी नहीं लिखा जाएगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, कहा जी, अब यहां पर हम लिखते हैं आवर ऑफिस, ठीक है ना, विल बी क्लोज्ड, ठीक ना, या विल बी रिमेन क्लोज। देखिए अगर विल बी क्लोज आप लिखते हो तो भी सही है, विल बी क्लोज्ड ये भी सही है, अब विल रिमेन क्लोज लिखते हो वो भी सही है, क्योंकि बी का मतलब रिमेन हो ही जाएगा, रहना, तो विल बी क्लोज लिखो या विल रिमेन क्लोज लिखो, दोनों का भाव एक ही है, बंद रहेगा, विल बी क्लोज कहा जी ऑन संडे, ये हो गया। अब यहां यह ध्यान देना है कि द टाइम टाइम्स दी, यहां पर द टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ यस लगेगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम ऑफ इंडिया नहीं, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज। अब यहां पर इस ये बात जो कहा गया रिपोर्टेड स्पीच में, आवर ऑफिस विल बी क्लोज्ड ऑन संडे या आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड, ठीक ना भैया, इसके स्थान पर हम रिमेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आवर का प्रयोग कौन कर रहा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर कर रहा है, संपादकीय में लिख रहा है, तो इसे हम, ये कौन सी फैमिली है बताइए, वी फैमिली है, ध्यान दीजिएगा वी फैमिली है। अब चलिए वी फैमिली में ये कौन सी वी फैमिली का क्या लगा, आवर, आवर क्या लगा है, पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव, पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव, तो इसे हम इट फैमिली में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे इट फैमिली में, तो इट फैमिली में जब हम चेंज करेंगे, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, वी फैमिली चेंज होगा इट फैमिली में, तो आवर को हम किसमें बदल देंगे, इट्स में, किसमें बदल देंगे, इट्स में, क्योंकि यही होगा पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव, मैं दे चुका हूं पहले दिन का क्लास देख लीजिएगा, तो चेंज कर लीजिए, तो यह सब अगर मालूम है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो क्या किया भैया, इनडायरेक्ट में बदल दिया, तो क्या हो जाएगा, द टाइम
आर इंडिया सीज, ठीक है, दैट। अब बताइए प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे विल भी लिखे चाहे विल लिखे, मतलब विल का उड नहीं होगा क्योंकि क्या है जी सेज है। दैट क्या हो जाएगा, इट्स, उसके बाद ऑफिस, उसके बाद विल। अब यहां चाहे आप बी लिखो चाहे आप रिमेन लिखो, ठीक है, उसके बाद क्लोज ऑन संडे, ठीक है भैया, संडे नहीं चलेगी, क्यों आ जाएगा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ गया ऑन संडे, ठीक ना, नहीं भी आया तो बच्चे समझ जाएंगे वहां तक कहे हम गुरु जी, इतना तो अपन अनुभव ही हो गए ना जी। जी सर। हाँ तो ये हो गया। अब इसमें चाहे जो केस हो, देखिए हमने क्या लिखा, मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, अब वो नॉर्मेटिव केस और पॉजिटिव केस बार बार कहने की जरूरत नहीं है। वी फैमिली है इट मींस इसकी सभी केसेस, अगर वी है तो नॉर्मेटिव केस, अवर है तो पॉजिटिव केस, और अस है तो ऑब्जेक्टिव केस, उसी तरीके से चेंज होगा। अब यहाँ इट फैमिली है तो तीनों केसेस, कौन जी, नॉर्मेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। हाँ इसमें पॉजिटिव केस का प्रोनाउन नहीं होता है, जबकि इसमें होता है, तो प्रोनाउन का प्रयोग नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव ही मिलेगा, तो आवर की जगह इट्स हो जाएगा, आवर्स नहीं मिलेगा, समझ रहे ना, आवर्स नहीं मिलेगा। अब आवर्स मिल गया तब तो फिर फंसा गया, तब करोगे केस ऑफ प्रोनाउन मिलेगा तब तो फंसा गए, लेकिन ऐसा वाक्य आएगा ही नहीं, ठीक ना। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल आता है तो ये दो बात है। अब देखिए यहाँ पर हम टू लिखना भूल गए हैं, ये एक्सेप्शन टू, सॉरी इसके लिए आप इसको टू बना लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए एक छोटा सा और एक्सेप्शन है इसमें, ठीक ना, दे दे रहा, हालांकि वो हमारे दृष्टिकोण से अनावश्यक है, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए वो आवश्यक हो, ठीक है ना, क्योंकि नियम अगर आप जानते हो तो हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, लेकिन आपके लिए हो सकता है कि वो आवश्यक हो, इसलिए मैं दे दे रहा हूं। चलिए थर्ड पर्सन का है, स्पीकर थर्ड पर्सन का है, और ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो रिपोर्टेड स्पीच जो नियम है पुराना नियम, ठीक ना, अगर उसे आप पालन करते हो, ये है स्पीकर, ठीक ना, ये है आपका स्पीकर, और ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक, और यहां पर हम कॉमा दे देते हैं हम, और ये है इन्वर्टर, ये डायरेक्ट का हम बना देते हैं, ठीक ना जी सर, और यहां हम क्या लिखा वो तो दे दिए, यहां पर जो सब्जेक्ट क्या लिखा सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर हमने वर्ब लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया अदर वर्ड्स लिख दिया, ये स्ट्रक्चर साथ मैंने दिया भी था, ठीक ना। अब बताओ अगर यहाँ पर क्या है भैया, थर्ड पर्सन है, क्या है थर्ड पर्सन है, ठीक ना, थर्ड पर्सन है, ठीक, थर्ड पर्सन है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम सीधे दे रहे हैं, इसको रेड पेन से ले लेता हूं, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, चलो यहां पर आपका क्या है,
थर्ड पर्सन है, ठीक, थर्ड पर्सन, ठीक ना। बाकी नियम तो आप लागू करो पर टेंस वगैरह वाला, हमारा फोकस यहाँ है। और यहाँ भी थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन है ना, चलो। और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, सेकंड पर्सन, क्या है जी, सेकंड पर्सन है, ठीक। एक बात तो स्पीकर अगर थर्ड पर्सन है, यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है, तो ये तो इससे बदलेगा है जी सर, अकॉर्डिंग टू बदले ना जी सर, ये अकॉर्डिंग टू हो गया। अब एक चीज और, इस सेंटेंस को थोड़ा सा और बड़ा किया जाए तो ये नहीं करेगा यार, हाँ किया जाए, यहाँ तक आ रहा है बताओ, हटेंगे तो अरे रुको थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसको और कंपेयर करके बना देते हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, चलिए पूरा ले लेते हैं। इधर से ले लेते, चलिए, क्या किया, स्पीकर लिया, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया, और उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट लिया, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद वर्ब, केवल यहां पर वर्ब लिखेंगे और प्लस अदर वर्ड्स लिखेंगे, ठीक। तो यहां क्या है हमारा, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। अब देखो असर्टिव सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। अभी आप क्लास नहीं पढ़े हो, असर्टिव सेंटेंस यानी विधिसूचक हुआ, सिंपल सेंटेंस का मतलब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहेगा, और कंपाउंड अथवा कॉम्प्लेक्स है तो कम से कम दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि चाहे कॉम्प्लेक्स ले लें चाहे कंपाउंड ले लें, तो हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते, कंपाउंड बना देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, बड़ा लिखना पड़ेगा ना जी, बताते नहीं है तुम लोग, सीसी लिख दीजिए ना, नहीं नहीं सीसी में भी क्लास हो जाएगा ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिख देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिख दिया, लिख दिया ना। अब क्वानिटी कनेक्शन लिया, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर वर्ब आएगा, और फिर यहाँ पर अदर वर्ड, आता कि नहीं जी, आ गया कि नहीं जी सर, आ गया। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में दो सब्जेक्ट है, हमने कहा था कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हो सकता है आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैं देते रहा हूं। अब यहां पर स्पीकर, अरे भाई पहले तो कुछ मौखिक चीजें सुनो, स्पीकर यहां फर्स्ट पर्सन है, यहां पर ये सेकंड पर्सन है, यहां पर सेकंड है तो इसी से बदलेगा, और मान लो यहां पर स्पीकर फर्स्ट है और ये फर्स्ट है, यहां फर्स्ट है, पहले तो यहां देखो फर्स्ट है, तो हम शुरू से लिख दे रहे हैं, यहां पर हम क्या करते हैं फर्स्ट पर्सन कर देते हैं, क्या करते हैं भैया, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन कर दिया, सेकंड पर्सन कर दिया, ठीक, और थर्ड पर्सन कर दिया, तो पहले इसको समझाते हैं, थर्ड पर्सन कर दिया, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कर दिया ये बात, तो स्पीकर से चेंज होगा, चाहे स्पीकर जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा चाहे जो, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज हो गया,
नो चेंज हो गया। इतनी बात तो पुरानी पढ़ते आ रहे हो, ठीक। यही रूल अगर यहां भी है तो वही नियम लागू होगा, जी सर, ठीक ना। अब एक चीज और तो इसके सेंस में हो गया। अब इस एक्सेप्शन में मैं क्या बताना चाह रहा हूं वहां आ जा रहा हूं। ऐसी कंडीशन में स्पीकर कुछ भी हो, ठीक हो, ऐसी कंडीशन में हाँ ये कुछ भी हो सकता है, स्पीकर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो सकता है, यहां से कुछ मतलब नहीं, यानी वन टू थ्री कोई मतलब नहीं है इस कंडीशन। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि यहां भी हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन कर देते हैं। ये थर्ड का मतलब अब ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक ना जी, जगह ज्यादा लेता है थर्ड पर्सन, और यहां भी क्या करते हैं थर्ड पर्सन, और यहां क्या करते हैं सेकंड पर्सन, और यहां क्या करते हैं जी फर्स्ट पर्सन, है फर्स्ट पर्सन, सीधा सीधा फर्स्ट कर दिए, तब क्या करोगे। अरे भाई ध्यान देना, इससे बदलोगे, इससे बदलोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, थर्ड मिलेगा, बोलो जी सर। और इससे इसको बदलोगे यहां पर तो क्या रिजल्ट मिलेगा, थर्ड मिलेगा। तो अब इनडायरेक्ट नरेशन में दो थर्ड पर्सन मिले, ठीक ना, चाहो तो अब पर्सन लिख दो पी, यहां भी पी, ठीक है, और यहां भी पी, और यहां भी पी, साठ समझने के लिए। तो यहां भी क्या मिलेगा, थर्ड पर्सन मिलेगा। अब सवाल है कि इन दोनों थर्ड पर्सन में कंफ्यूजन हो जाएगा किसके लिए, अगर छात्र को नॉलेज नहीं है डायरेक्ट चेंज ऑफ बनाने का, चेंज ऑफ पर्सन का ज्ञान नहीं है, तो इनडायरेक्ट नरेशन अगर सीधा दे दिया जाए तो वो नहीं, नहीं इनडायरेक्ट नरेशन दे दिया जाए तो वो उसको नहीं समझ में आएगा कि कौन किससे बदला है, तो वो यह जो अपवाद उसी के लिए है। लेकिन अगर आप पढ़ते आ रहे हो, नियम को जानते हो, तो कोई जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक ना। अब इसका एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूं, ये देखो यहां पर मोहन से टू सोहन, मोहन से टू सोहन, ठीक है, कहे यू आर राम, ठीक, बट आई एम राइट, ठीक ना। तो सवाल ये है, ध्यान दीजिएगा, जिसको आता है वो तो बेहद बदल देगा। अरे ये डायरेक्ट ना जी, जी सर डायरेक्ट है, हाँ। अब इसका इनडायरेक्ट बनाइए, जी सर, तो जिसे आता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए टोल्ड सोहन डायरेक्ट, उसके बाद दैट डायरेक्ट, उसके बाद यू किसे बदलेगा, सोहन से, तो वो तो यहाँ ही लगा दिया, उसके बाद हो जाएगा राम, और राम हो जाएगा, उसके बाद बट और आई किसे बदलेगा, ये मोहन से। अब ये आई बदलेगा, यू तो बदला इससे, आई बदलेगा मोहन से, तभी ही लगेगा, ये सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही वाज राइट, ही वाज राइट। अब यह जो अपवाद लेखकों ने बना दिया, मैं भी लेखक हूं, हमारे हिसाब से ये आवश्यक है। तो आप नया जो स्टूडेंट होगा,
वो तो कहेगा यार यही कहाँ से आया, किससे आया, तो क्या डायरेक्ट वो यही आगे पढ़ेगा क्या? विक्रम से पढ़ता हुआ है तो बना लिए राइटर की कोष्ठ में लिख देना चाहिए कि कौन किससे, मतलब जानकारी के लिए, परीक्षा में नहीं आता है ठीक ना। अगर यहाँ ही कुछ चेंज होगा उल्टा पुल्टा तभी आप पकड़ लोगे, कोष्ठ में लिख देना चाहिए क्या कहे राइटर्स की सब करे, कोष्ठ में लिख देना चाहिए ताकि समझ में आ जाए कि कौन किससे बदला। तो वेन और इसके बाद मोहन टोल्ड सोहन दैट, अब यहाँ ही सोहन यू किसे चेंज हो रहा है, सोहन से तो ही मिल रहा है, यही एक नियम बना दिए लोग, तो इस नियम में कोई खास तो नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने कहा मेरे लिए तो खास नहीं हो सकता आपके लिए, इतनी तो बात समझ में आती है यार कि यू इससे बदलेगा तो ही मिलेगा, तो ये ही जो यहाँ से आया है, अगर इतना नहीं समझ में आता है तो फिर मत पढ़ो, क्या करना है ठीक है ना जी। उसके बाद क्या जी, वाज वाज राम, और उसके बाद बट फिर ही यहाँ क्या कर दो, मोहन लिख दो, उसके बाद वाज करी राइट लिख दो, तो इस नियम में बहुत खास तो नहीं है, तो मैंने इसलिए दे दिया कि आप कहीं किताब में पाओगे तो कहोगे कि आप ही सर नहीं बताए हैं इसको, इसलिए मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता हूँ और सब दे देना चाह रहा हूँ कि ताकि तुम्हें कोई अन्य किताब पढ़ने की जरूरत ना हो, किसी अन्य YouTube चैनल पर जाने की जरूरत ना हो ठीक ना भैया, क्योंकि मेरा इंग्लिश ग्रामर खुद में क्या है, सागर है, सागर डूब जाओगे पता ही नहीं चलेगा ठीक है ना। तो अगला जो क्लास होगा हमारा क्या, यहाँ हेडिंग चेंज हो जाएगी, सेकंड हो जाएगा, ये पहली हेडिंग में चल रहा था समझ भैया, तो सेकंड हो जाएगा जी, रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक, लेकिन ये पार्ट तो उसी क्रम में चलेगा जी सर, 15 रहेगा, वो तो हमारा वीडियो नंबर है, क्लास नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर ये ना हम पकड़ कर चलेंगे तो होता क्या है कि लोग बना तो देते हैं लेकिन डिसऑर्डर में, डिसऑर्डर में क्यों, उनका सिस्टम नहीं है, पढ़ाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो धाके यहाँ धाके वहाँ उठक बैठक करेंगे, अब स्टूडेंट कैसे होगा, स्टूडेंट तो हम तो यही कहेंगे कि नारायण है, बच्चा है, मूर्ख कहना ठीक नहीं है, बुरा लग जाएगा, मूर्ख कोई नहीं होता है, सर्वप्रथम कोई नहीं सीखता है, कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आता है ठीक ना, पैदा होने के बाद हो संभालता है तब से सीखता है, हम लोग भी सीखे हैं, तो मूर्ख कहना ठीक नहीं है ठीक। हाँ ये बात जरूर है, इतना पढ़ाने के बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आता है ठीक ना, तो मैं यही राय दूंगा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो, दुकान दौड़ी करो, धंधा पानी, सीधा सीधा बात ठीक ना, जो मेरा अपना तजुर्बा है धंधा है मतलब इस प्रोफेशन से, धंधा का मतलब पेशा, तो इस पेशे से मैं जुड़ा हूँ, पढ़ाने का टीचिंग का काम है, तो मुझे इतना अनुभव है इसलिए मैं बोल देता ठीक ठीक है, कि इतना विधिवत सिस्टम से पढ़ाने के बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो पढ़ना लिखना बंद करो, जाकर धंधा पानी करो, सीधा सीधा अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर, सीधा बोलता हूँ, तो बुरा न मानना, अगले क्लास तक के लिए क्या जी, टाटा बाय बाय।